सभी का धन्यवाद। आज कई दिन में एक बात कहने का मौका मिला। एक बड़ा विवाद चला हुआ है 6 तारीख का। 6 तारीख को टिकैत साहब का जन्मदिन था, पूरे देश भर में सब जगह मनाया और सब पार्टी के लोग उनको मनाते हैं, मानते हैं। सिसोली में भी जो प्रोग्राम था उसमें उस दिन सब पॉलिटिकल पार्टी के लोग आते हैं, वो किसान यूनियन का भी प्रोग्राम नहीं था ना। हमने वो प्रोग्राम कर रखा है, उसको गांव वाले करते हैं सब प्रोग्राम को, हम भी उसमें प्रोग्राम में जाते हैं। कभी सिसोली में प्रोग्राम हो, कभी दूसरी जगह प्रोग्राम होता है, कभी अलग अलग जगह प्रोग्राम हो, उसमें सभी पार्टियों के लोग वहां पे आए थे। एक पुस्तकालय भी उन्होंने बनाया, उन्होंने वह पुस्तकालय बनाया, देवीलाल के नाम पे बनाया। वहां पे उसकी देखरेख जो भी है वो भी उन्होंने ही करा। अपनी संस्था से कराओ, किसी से। एक बड़ा विवाद पूरे उसमें चला हुआ है कि हम पॉलिटिकल हो गए, हम उन पॉलिटिकल पार्टी के मंच पर जाएंगे। हम नॉन पॉलिटिकल थे, नॉन पॉलिटिकल हैं, नॉन पॉलिटिकल ही रहेंगे। ये भ्रम की स्थिति फैला रहे हैं कुछ लोग कि हम उनके मंचों को साझा करेंगे, हम उनको समर्थन देंगे, हम उनके साथ में जाएंगे। हम नॉन पॉलिटिकल थे, हैं और रहेंगे। हम किसी का पॉलिटिकल मंच भी भविष्य में कभी कोई साझा नहीं कर रहे। इन चीजों से आप बेफिक्र रहें। किसी ने कोई वहां पे काम कर दिया होगा, पुस्तकालय बना दिया होगा, उन्होंने उसका उद्घाटन कर लिया, हमें तो उसका भी नहीं पता। तो इन चीजों का भ्रम न फैलावे, अपने काम पे ध्यान दे, आंदोलन पे ध्यान दे। जहां पे भी आंदोलन होंगे, हम आंदोलन पार्टी के साथ में नहीं है। अगर राजस्थान में आंदोलन होता है तो हम वहां पे भी जाते हैं, हरियाणा के जितने भी आंदोलन होते हैं उसमें भी जाते हैं। लेकिन बहुत लोग सरकारी संगठन बने हुए हैं, वे कर जा रहे हैं तो हमारे आंदोलन वहां पे चल रहे। हमारे बारिश के उससे कुछ प्रोग्राम कैंसिल हुए तो हमारे हर रोज हमारे प्रोग्राम है। हम उत्तराखंड में अंकिता हत्याकांड हुआ तो उसके घर पे गए, हरियाणा में भी हम सब जगह जाते हैं, उत्तर प्रदेश में भी सब जगह जा रहे हैं। ना हमारा किसी पॉलिटिकल पार्टी से संबंध है, ना थे, है ना रहेगा, ना था। तो आप जब भी कोई मीटिंग हरियाणा में होगी हम उस मीटिंग में आएंगे, जैसे पहले बुलाते थे, आप उसी सिस्टम से अपना काम करते रहे। ये अफवाह फैलाते हैं लोग, इन चक्कर में ना पड़े। और जो भी स्पष्टीकरण देना होगा किसी को वो हम दे देंगे, क्योंकि वहां दोनों तरफ के लोग, हरियाणा के लोग सिसोली में जा रहे, कोई उस पक्ष का जा रहा, कोई उस पक्ष का जा रहा। सिसोली सबका स्थान है, सब लोग सिसोली में जाएं। वो सार्वजनिक भवन है, वो हमारा भी नहीं है किसी का भी, वो किसानों का भवन है, सार्वजनिक भवन है, उसमें सब लोग जा रहे। ना हम वहां पे किसी को मना कर रहे भाई तू क्यों आ रहा। सबकी आस्था टिकैत साहब में है, वे लोग जाते हैं वहां पे। तो आप कोई भ्रम की स्थिति में ना रहे, हम सब किसानों के साथ में है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि हम भी इसके माध्यम से सुनते रहते हैं कि ये चल रहा। हम भी कभी रात को 12 बजे आवे, कभी वो आवे, तो आज भी एक बड़ी व्यवस्था सी फैला रखी। खास करके हरियाणा के लोग, हताश होने की कोई जरूरत नहीं। आंदोलन जाओगा, हम आंदोलन के साथ में हैं। जब चाहोगे, जब आंदोलन छेड़ सकते हैं, हम उनके साथ में, मूवमेंट के साथ में, हम किसी पॉलिटिकल पार्टी के साथ में नहीं है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा, जय